वैसे तो एक स्पेसिफिकेशन वीडियो है, लेकिन मैं वो हर एक चीज, सेंसर कौन सा है, मेगापिक्सल कितना है, ISO कितना है, शटर स्पीड कहां तक जा सकता है, आई नॉट बी मेंशनिंग अबाउट एवरीथिंग। ये आपको 10 सेकंड में गूगल सर्च में मिल जाएगा। वी विल टॉक अबाउट ओनली दोस अपग्रेड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, और सोनी क्रॉप सेंसर मिररलेस की जो स्ट्रक्चर है वो जानने की कोशिश करेंगे, विच विल हेल्प यू फिगर आउट आपको एग्जैक्टली कौन सा कैमरा लेना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Sony 6600, we'll talk about this later. Usse pehle, we'll talk about the crop sensor structure of Sony mirrorless cameras. Aapko pata hai, sabse pehle Sony A6000 hai. Uske baad aaya tha 6300, jo thoda sa high end hai, mid range bol sakte ho aap. Uske baad aaya 6500. 6000 jo hai, wo absolute entry level hai. Us time pe wo mirrorless camera kaafi acha mana jata tha. Uske baad 6300 aaya, wahan pe autofocus improve hua. Everybody started appreciating 6300 ki itne kam daam mein hum logon ko bahut acha features mil raha hai. Then came 6500 with still better features. 63 aur 6500 ke beech mein jo features ka difference hai, उतना ही प्राइस का डिफरेंस भी था, तो इसलिए पीपल में वेरी कंफ्यूज्ड। 6300 वो अपने फीचर्स के हिसाब से वेल प्राइस था और 6500 अपने फीचर्स के हिसाब से। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैड A6000, A6300 और A6500। A6000 का कोई अपर वर्जन नहीं आया, A6500 का भी नहीं आया, बट A6300 का एक अपग्रेडेड वर्जन आया, A6400। यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, A6400 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में, क्योंकि A6400 वैसे तो ऑफिशियली 6300 का अपग्रेड है, बट फॉर्चुनेटली उसमें इतने सारे फीचर्स पैक था कि वो कहीं ना कहीं A6500 का भी अपग्रेड बन चुका था। सो प्रैक्टिकली इट वॉज an upgrade of both 6300 and 6500, but technically, officially, वो A6300 का ही upgrade है। और recently, दो new cameras release हुआ है, A6600, which is an upgrade of A6500, और A6100, which is an upgrade of A6000. A6100 जो है, वो काफी interesting है, क्योंकि entry level में, जो हम features expect नहीं करते हैं, वो सारे features भी उसमें included है। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, today we'll specifically talk about what are the actual improvements in 6600. 6600 में क्या इंप्रूवमेंट्स है, उसका क्या एडवांटेजेस है, वो क्या वैल्यू फॉर मनी है, ये जानने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड 6500 एंड 6400। सो पहले हम डिस्कस करते हैं 6400 और 6500, उसका जब हमें क्लैरिटी मिलेगा, वी विल जंप टू 6600, इसमें क्या नया फीचर्स है देखते हैं, एंड वी विल सी इफ इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। लेट्स स्टार्ट। वो एक ऐसा टाइम था जब लोग सोचते थे कि DSLR से मिररलेस में शिफ्ट होना कि नहीं, बट देयर वर मेनी ऑफ देम हु बॉट 6300 एंड 6500 एंड दे वर हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेस। बैटरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कभी-कभी हीट ज्यादा हो जाता था, there were problems. उस टाइम पे आया 6400. 6400 was packed with features. 6500 का दाम 6400 से ज़्यादा है. मतलब 6500 की बॉडी के दाम में आपको 6400 का बॉडी और लेंस दोनों मिल जाएगा. अब मैं एक-एक करके बताऊंगा कि 6400 का एडवांटेज क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लिप स्क्रीन था, जो 6500 में नहीं था। आजकल आपको पता है कि व्लॉगिंग कितना होता है, आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक फ्लिप स्क्रीन होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर जो व्लॉगिंग होता है वो फुल फ्रेम हाई एंड कैमरास में ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर व्लॉगर्स जो है वो क्रॉप सेंसर बॉडी से यूज करते हैं। उसके बाद जो 6400 का जो प्रोसेसर है, इट वॉज एन एडवांस प्रोसेसर। सोनी का जो A9 का जो प्रोसेसर है, इट वॉज सिमिलर टू दैट, मतलब काफी अच्छा। हीटिंग का प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम कैमरा के अंदर इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। इमेजेस का कलर इंप्रूव हो जाता है, ऑटो फोकस बेहतर हो जाता है, बेसिकली काफी सारे इंप्रूवमेंट हो जाता है अगर प्रोसेस काफी एडवांस्ड हो तो। कैनन का कलर्स कितना अप्रिशिएट करते हैं लोग, आप सबको पता है। यहाँ तक लोग बात करने लगे कि 6400 का जो इमेजेस है उसका जो कलर्स है, पीपल वर सेइंग इट वाज क्लोज टू कैनन कलर्स। 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स था कॉन्ट्रास्ट एंड फेस डिटेक्शन दोनों में। रियल टाइम में सब्जेक्ट को इतना अच्छे से ऑटो फोकस करने लगा, एक तरीके का गेम चेंजर बन चुका था। आई ऑटो फोकस इटसेल्फ वाज वन ऑफ द अट्रैक्शन। जो भी वीडियो ज्यादा करते थे उनको टाइम लैप्स करना बहुत ईजी हो चुका था, क्योंकि वही आपको अगर सोनी 6500 में अगर करना होता, देन यू नीडेड एन एक्स्ट्रा ऐप फॉर दैट। टच स्क्रीन 6500 से बेहतर हो गया। सोनी 6400 का जो मेन्यू सिस्टम है वो 6500 से बेटर था। वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट जो 30 मिनट्स तक होता था वो पूरा कंटिन्यूस हो चुका था, मतलब जब तक आपका मेमोरी कार्ड खत्म नहीं होगा तब तक वो शूट करेगा। सिनेमेटोग्राफर्स के लिए नए नए पिक्चर फॉर्मेट्स अवेलेबल थे। बहुत अच्छा एडवांस प्रोसेसर के वजह से सेम बैटरी होने के बावजूद बैटरी लाइफ स्लाइटली बढ़ गया। अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस मोड में हो और अगर आपको लगा ये परफेक्ट वाइट बैलेंस है तो आप उस वाइट बैलेंस को लॉक कर सकते थे। तो इतना ज्यादा फीचर्स 6400 में था जो 6500 में भी नहीं था, तो 6500 का प्राइस ज्यादा क्यों है?
सबसे पहले आईबीस इन बॉडी इमेज स्टेबिलाईजेशन जो कि एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एक डील ब्रेकर बन सकता था लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सोनी की जो नेटिव लेंसेस है मोस्टली वो स्टेबिलिटी के साथ आता है, मतलब उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन की जरूरत नहीं है। तो जितना भी सोनी नेटिव लेंसेस है उसमें 6400 या 6500 कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डे लाइट में कर रहे हो तो शटर स्पीड इंक्रीज करो तो इमेज स्टेबिलाईजेशन की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप डार्क सिचुएशन में हो शटर स्पीड आप इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ उसी टाइम पे आपको बहुत स्टडी होना पड़ेगा। आप अगर वीडियो कर रहे हो इफ यू आर यूजिंग ए गिम्बल इफ यू आर यूजिंग ए ग्लाइड कैम और अ स्लाइडर आपको तब भी इमेज स्टेबिलाईजेशन की जरूरत नहीं है। मतलब जो 20-30% ऑफ द सिनेरियोस आता है उसी में वो आईबीस की जरूरत होता है। ग्रिप थोड़ा सा बेहतर था शायद 6500 का, एक इमेज स्टेबिलाईजेशन और एक आध माइनर एडवांटेजेस को छोड़ के 6500 वॉज इनकम्पेरेबल विद 6400। 6400 काफी अच्छा था। सो इन अ वे 6400 was not only an upgrade from 6300 but also from 6500. तो अब जो 66 आ रहा है, its specification should beat both 65 and 64 and it should also prove that its value for money. वो है कि नहीं हम देखेंगे। So we'll go through the features of 6600. सारे features के बारे में बात नहीं करेंगे, वही features जो एक upgrade है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। Basically 6600 में सारे 6400 की qualities है, उसके साथ साथ 6500 का इमेज स्टेबिलाईजेशन भी है, उसको छोड़ के और भी कुछ कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले एक हेडफोन जैक है जो सीरियस सिनेमाटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ डायरेक्टर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द कैमरा एंड ही वांट्स टू लिसन टू ऑल द डायलॉग्स वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो बैटरी है फुल फ्रेम बैटरीज की तरह पावरफुल है, मतलब 6400 का जो बैटरी था उसके डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। और बिगर बैटरी कहाँ पे है, जहाँ पे वो ग्रिप है वहाँ पे बैटरी है, मतलब बैटरी बड़ा हुआ तो ग्रिप भी बढ़ गया विच इज एक्चुअली गुड फॉर द फोटोग्राफर्स। इसमें एनिमल आई ऑटो फोकस है और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है लगता है कि बहुत आसानी से ऑटो फोकस कर देता है, वो तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। जैसे मैंने बोला आईबीस है मतलब इन बॉडी इमेज स्टेबिलाईजेशन, तो 6500 का जो एक मेजर एडवांटेज था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वीडियो की फ्रेम्स पर सेकंड में कोई अपग्रेड नहीं है, सारे HD और 4K का जो भी कॉम्बिनेशन है वो 6400 में जैसा है वैसा ही है। बिल्ट इन फ्लैश को निकाला गया है, आजकल वैसे भी बिल्ट इन फ्लैश को यूज भी नहीं करता तो उसको निकाल देना ही ठीक है। शटर काउंट इज 2 लाख, 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते मोस्ट ऑफ अस कैमरा ही बदल देते हैं, बट anyways, 2 लाख इज अ गुड नंबर। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शनलिटी है वो है आई ऑटो फोकस इन वीडियो, मतलब जब सब्जेक्ट आपके पास है अब फोकस और भी एक्यूरेट होगा। इतना सब कुछ फीचर्स है, 6400 प्लस 6500 प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका जो प्राइस है वो कुछ ज्यादा ही है, $1,400 टू $1,500, कुछ कुछ जगह में 1,400 लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 1,499 है। सो इवन इफ यू कंसिडर दैट द प्राइस विल बी समवेयर इन बिटवीन 1,400 एंड 1,500, तब भी ये बहुत महंगा कैमरा है। मैं अगर एक एक करके लिस्ट करूं यहाँ पे जो भी फीचर्स एडेड है नया वाला, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये फीचर्स इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो हेडफोन जैक नहीं है, मोस्ट ऑफ अस हेडफोन जैक यूज नहीं करते। अगर सिनेमेटोग्राफर्स भी है तो हेडफोन जैक यूज करके सिनेमा करने वाले बहुत कम है, तो हम उसको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। बैटरी, कुछ लोगों को तो वो जरूरी भी नहीं है क्योंकि उतना क्लिक ही नहीं करते। एंड फॉर दोस पीपल जिनको लगता है कि हम बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं या फिर वीडियो शूट करते हैं, लॉन्ग लाइफ वाला बैटरी हमें चाहिए, वो लोग एक एक्स्ट्रा एक दो बैटरी ले सकते हैं। ग्रिप बिगर होना कोई डील ब्रेकर नहीं है। एनिमल आई ऑटो फोकस, कितना शूट करते हैं हम एनिमल्स को, अगर आपका पैशन ही है एनिमल को शूट करना तो बात अलग है, नहीं तो रेशियो ऑफ पीपल जिनको एनिमल आई ऑटो फोकस इतना इंपॉर्टेंट है वो कम ही है। आईबीस के बारे में हम बात कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द लेंस और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो शायद काम भी ना आए क्योंकि सिनेमेटोग्राफर्स मैक्सिमम गिम्बल ग्लाइड कैम्स स्लाइडर्स ये सब यूज करते हैं और जो फोटोग्राफर्स है उनको कुछ ही टाइम पे इमेज स्टेबिलाईजेशन की जरूरत होता है। आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग इन वीडियो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, लेकिन इसको भी हम छोड़ सकते हैं। 6400 प्लस 6500 प्लस कुछ एडेड फीचर्स होने के बावजूद ये फीचर्स उतना डील ब्रेकिंग नहीं है, और डील ब्रेकिंग नहीं होने के बावजूद ये बहुत हाईली प्राइज्ड कैमरा है, शायद नवंबर में अवेलेबल होगा। इफ यू आस्क माय वर्डिक्ट, हमें पता है कि 6400 कैसे वर्क होता है, वी नो द फंक्शनलिटीज, इट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन ही इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मतलब अगर कुछ तो डील ब्रेकिंग फीचर होता तो इतना एड करके एक्स्ट्रा प्राइस पॉइंट पे 6600 हमें इंटरेस्टिंग लगता। वैसे तो इसका बहुत कम चांस है, लेकिन अगर हमने कुछ मैजिक देख लिया उसकी फंक्शनैलिटी में, हो सकता है कि कुछ आईबीस इतना पावरफुल हो कि वो बहुत अच्छे से इमेज स्टेबिलाईज कर देता है, या ऐसे कुछ तो वहाँ पे निकला जिसका चांस बहुत कम है, सिर्फ उन्हीं केसेस में आप 6400 को इग्नोर कर सकते हो। इफ आई हैव टू सजेस्ट यू 6300, 6400, 6500, 6600, इन चारों कैमरास में द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इज 6400 स्टिल, एंड आई एम श्योर इट विल गो वेरी स्ट्रॉन्ग। प्राइस कम होने का चांस थोड़ा सा कम है क्योंकि नया कैमरा है, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन वेट, बट 6400 इज स्टिल ए फेवरेट अमंग अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स।
Thank you so much for watching this video. If you liked it, then please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thanks again. Take care.